हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी आवर सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीमेंट टाइल्स डिजाइन स्लोप रूफ के ऊपर कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि छत के ऊपर जो है जो आपका स्लोप रूफ बनाते हैं उसके ऊपर डिजाइन बनाया जाता है ताकि देखने में अच्छा लगे या खूबसूरती लगे। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कैसे बनाता है। जैसे कि वीडियो में दिख रहा है आपको ये लोग स्लोप रूफ के ऊपर सीमेंट टाइल्स डिजाइन इसको कहेंगे हम लोग दोस्तों इसको बना रहा है। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्रोसीजर कि आपको जो है अच्छा से क्लीन कर लेना है आपको छत को, क्योंकि छत जो है बनाने के कुछ दिन बाद ही एक दो महीना बाद ही यहाँ पे बन रहा है। तो अच्छा से क्लीन कर लिए। क्लीन करने के बाद इसमें हम लोग वाटर प्रूफिंग भी कर रहे हैं, तो क्या करना है आपको, हम लोग दो एक कोट वाटर प्रूफिंग केमिकल इसमें लगा दिए। वाटर प्रूफिंग केमिकल कैसे, जैसे कि सिक्का का, फर रफ का, या डॉक्टर फिक्सिट का, बर्जर का, एशियन का, जिसका भी हो आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल के केमिकल मिक्स कर देना है आपका सीमेंट घोला से सीमेंट के साथ और उसको घोल लेना है। कितना परसेंट, हमेशा ये याद रखिए IS 2645 कोड के अनुसार आप हमेशा जो है किसी भी कंडीशन में आप सीमेंट कंटेंट का मैक्सिमम 2 से 3% ही उसमें केमिकल ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम 3% ऑफ टोटल सीमेंट वॉल्यूम, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। कर दिए आप, इसको मिक्स करने के बाद इसमें जो है आपको देना है घोला, यानी कि इसको पानी करना है, जिसे हम लोग सीमेंट नेट कहते हैं। उस तरीके से इसका सीमेंट सलरी के साथ पानी कर देंगे पूरा छत को क्लीन करने के बाद। उसके ऊपर एक तीन, पहला प्रोसेसर दूसरा प्रोसेसर, एक तीन रेशियो का सीमेंट मोटर बनाएंगे, एक तीन रेशियो का सीमेंट मोटर। सीमेंट मोटर बनाने के बाद उसके ऊपर जो है फंटी के थ्रू, जहाँ दिख रहे हैं फंटी के थ्रू यहाँ पे प्लास्टर हो रहा है, डिजाइन बन रहा है प्लास्टर। तो इसके बाद एक तीन रेशियो का मोटर बना के इसमें डिजाइन कर दिए, जहाँ देख रहे हैं। दूसरा प्रोसेस, दूसरा स्टेप आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर जब हो जाएगा आपका डिजाइन बन जाएगा तो उसके ऊपर जो है हम लोग फिर वही दूसरा कोट सीमेंट सलरी के साथ केमिकल ऐड करेंगे, डॉक्टर फिक्सिट या फिर जो भी हो वाटर प्रूफिंग केमिकल। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल ऐड करेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना है कि 2% 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सीमेंट का वॉल्यूम का। अगर 10 kg सीमेंट ले रहे हैं तो आपको 10 kg सीमेंट का 3% ही केमिकल ऐड करना है, उससे ज़्यादा नहीं, समझ गए। तो आपको जो है ऐड कर दिया, उसके बाद इसके ऊपर फिर दोबारा सीमेंट सलरी मार दिए, सीमेंट सलरी का एक कोट और कर दिए केमिकल के साथ, वाटर प्रूफिंग केमिकल के साथ। तो इसमें क्या हुआ कि आपका सीमेंट टाइल्स डिजाइन भी बन गया और साथ ही साथ आपका वाटर प्रूफिंग भी हो गया स्लोप प्रूफ। तो इस तरीके से आप स्लोप प्रूफ को वाटर प्रूफिंग के साथ आप सीमेंट टाइल्स डिजाइन लगा सकते हैं। ये हो गया। अब आपके मन में इशू होगा कि हम इसमें सीमेंट टाइल्स डिजाइन रहेगा कि नहीं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपका सीमेंट टाइल्स डिजाइन जो है लंबा टाइम तक रहेगा, क्योंकि इसमें अच्छा कंटेंट से सीमेंट मोटर बनाया गया है, केमिकल दिया गया है वाटर प्रूफिंग, ताकि इसमें कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको बनाने के लिए चारों तरफ आपको इसका फोल्डिंग करना पड़ेगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो उसमें आपका बनाने में। तो इस तरीके से आप अपना घर के लिए या फिर आप एज ए इंजीनियर तो आप दूसरे घर के लिए बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सीमेंट टाइल्स डिजाइन ओवर स्लोप रूफ आपको कैसे बनाता है मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है, सारा प्रोसेस बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो को